आज बताने जा रहे हैं सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं। ये हमारा चैनल देख रहे हो, ये देख लीजिए अभी भी कितना है, 7.97 यानी 7,970 सब्सक्राइबर है। आप सभी सब्सक्राइबर वाले पर क्लिक कीजिए, अब बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। और बताते हैं किस तरीके से आप 1,000 सब्सक्राइबर इजीली ले सकते हैं उसके बारे में, इसलिए सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। आज हम आपको कुछ ट्रिक बताने जा रहे हैं, वो ट्रिक आप फॉलो करोगे अच्छा खासा सब्सक्राइबर हो जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, ये पूरा वीडियो देखना है, इस वीडियो पे लाइक कमेंट करना है आपको ये वीडियो कैसा लगा, और साथ में बताइएगा जो आपको कितना सब्सक्राइबर है वो भी कमेंट कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए 5-6 बातों पे ध्यान रखना पड़ेगा। उसमें पहला है चैनल ऑप्टिमाइज। चैनल ऑप्टिमाइज क्या है ये चीज समझिए, आपकी सब्सक्राइबर इसके बना नहीं बढ़ेंगे। आपकी चैनल का जो लोगो है, चैनल का बैनर है, आप चैनल पे क्या लिखे हैं, ये चीज बहुत मायने रखते हैं। बहुत सारे मेंबर को देखते हैं चैनल बैनर रहता ही नहीं है या चैनल बैनर बनाना ही नहीं आता है, तो आपकी सब्सक्राइबर नहीं बनेंगे। चैनल ऑप्टिमाइज से ही पता चलता है आप कितने अच्छे यूट्यूबर हैं। जैसे हमारा आप देख रहे होंगे बैनर किस तरीके से, वो मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए चैनल बैनर आप देख रहे हैं, इससे क्या है, आप देख रहे हैं ऊपर में यूट्यूबर क्रेस्ट, उसके बाद हम भारतीय यूट्यूबर हैं सब्सक्राइब प्लीज, इस तरीके से लिखे हुए आप देखिए, डिस्क्रिप्शन में भी लिखे हुए वेलकम टू यूट्यूबर क्रिश आवर चैनल। इस पे हम यूट्यूब टिप्स हो, सोशल मीडिया टिप्स हो, ये सब हम बताते हैं। तो भाई सबको तो पता रहना चाहिए ना आप क्या बता रहे हो, क्या बनाने जा रहे हो। आपकी कोई किसी को पता ही नहीं है आपकी चैनल का क्या महत्वपूर्ण है, आप क्या जानकारी देते हो, तो आपकी सब्सक्राइब क्यों करेगा, ये चीज समझिए। बहुत सारे मेंबर यहीं पर गलती करते हैं और नहीं कर पाते हैं, इसके लिए आपको हमेशा ध्यान रखना होगा, आपको क्रिएटिव बनना पड़ेगा। और देखिए जब भी चैनल बनाते हैं ना, एक और चीज कीजिए, चैनल सेटिंग। चैनल सेटिंग में क्या होता है, चैनल कीबोर्ड होता है। चैनल कीबोर्ड क्या करता है, आपके चैनल को रैंक कराता है। एग्जाम्पल के तौर पे अभी देखिए, यूट्यूबर कृष्ण कहीं पे भी लिखिएगा, हमारा चैनल आपको ऊपर आ जाएगा। कुछ दिनों के बाद आप यूट्यूबर लिखिएगा तब भी हमारा चैनल आ जाएगा। अब होगा क्या, पूरा वर्ल्ड के लोग कितना बार यूट्यूबर सर्च करेंगे, हमारा चैनल आएंगे। भाई एक दिन में अगर लाखों बार सर्च होता है तो कम से कम 1-2 हजार तो सब्सक्राइबर उस तरीके से भी बढ़ जाएंगे, ये चीज करना होगा। दूसरा चीज होते हैं आपकी प्लानिंग। सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए हो, ग्रो करना के लिए हो, प्लानिंग बहुत जरूरी है। आप किस तरीके से कंटेंट क्रिएशन करते हो, आप किस तरीके से वीडियो बनाते हो, आप जो टॉपिक बना रहे हो उस पर कितना रिसर्च किए हैं, आप जो टॉपिक बना रहे हैं वो टॉपिक किसके लिए है, इसको देखेगा कौन, और ये किस किस को हमको भेजना है, और इसको किस तरीके से बनाएंगे, ये चीज जरूरी होता है। उसके लिए आप प्लानिंग क्या कर सकते हो, ये चीज समझिए। इसलिए आपको टाइटल में क्या डालना है, डिस्क्रिप्शन क्या डालना है, हैशटैग क्या डालना है, टाइटल कैसे डालना है, टैग सेक्शन में क्या डालना है, थंबनेल कैसे बनाना है, ये सब आपको कंबाइंड करना होगा। बहुत सारे मेंबर यही चीज नहीं करते हैं, फिर बोलते हैं हमारा तो चैनल ग्रो ही नहीं हो रहा है। भाई ये चीज आपको पहले करना पड़ेगा, आपको सब्सक्राइबर बढ़ाना है, आपको देखेगा, जब आप अच्छा खुद करोगे तब तो आपके पास कोई आएगा, अगर आप अच्छा नहीं कर रहे हो तो आपके पास क्यों आएगा, ये चीज हमेशा याद रखिएगा। और दूसरा चीज है, जब आप प्लानिंग करते हैं ना, जो प्लानिंग नहीं करते हैं उससे 100 गुना ज्यादा आपकी वीडियो भी चलेगा, क्योंकि आप फोकस कीवर्ड डालोगे, वहां पे टारगेट टैग्स डालोगे। और यूट्यूब कोई आदमी नहीं है, वो है सर्च इंजन, जो टैग से रिलेटेड सर्च इंजन में ऑप्टिमाइज करता है और आपके वीडियो को ऊपर भेजता है। तो ये चीज आपको हमेशा समझना होगा। और अगला पॉइंट है वो बहुत पुराने वीडियो को एंगेजमेंट बनाना और मेंबर बिल्ड करना। आप एंगेजमेंट किस तरीके से बढ़ा सकते हो, ये चीज समझो। अगर आपका एक वीडियो पे व्यू आ रहा है 10, अगर वही एंगेजमेंट वीडियो रहेगा तो इसी वीडियो पे आएगा 1,000,000। अब 10 लोग देखेंगे तो 1 सब्सक्राइबर 2 सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, यही अगर 1,000,000 लोग देखेंगे तो भाई आपको कम से कम भाई 1-2 लाख तो जरूर सब्सक्राइब करेंगे। अब उसके लिए एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो, ये चीज आपको पूरा विस्तार। एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए आपको हमेशा याद रखिए, आपकी वीडियो HD क्वालिटी में होना चाहिए। क्वालिटी कंटेंट हमेशा महत्वपूर्ण होता है। अगर आपने क्वालिटी कंटेंट में नहीं किया है तो आपकी रिकॉर्डिंग अच्छा होना चाहिए, बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए, नॉइस रिड्यूस ऑडियो होना चाहिए। ऑडियो अच्छा करने के लिए ये देख रहे हैं माइक लगा के रखिए, आपको भी माइक लगाना होगा। और दूसरा चीज, उसको एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए आपको एडिटिंग स्किल अच्छा सीखना पड़ेगा। एडिटिंग स्किल के लिए आप क्या कर सकते हो, ये चीज समझिए। एडिटिंग स्किल आपको नहीं पता है
तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा, एडिट थंबनेल एडिट वीडियो एडिट वाला सेक्शन में, वहां पे मैंने 4-5 ऐप से फ्री वर्जन वाला सिखा दिया हूं, आप जाके देख सकते हैं, सीख सकते हैं वीडियो एडिट कैसे करना है एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए। जब आप बोरिंग से बोरिंग वीडियो को भी एडिट करके आप बेहतरीन बना सकते हो, लगेगा भाई आप HD क्वालिटी लाखों का कैमरा से बनाए हो, उसमें कुछ नहीं करना, आप जो बोल रहे हो उससे साउंड कभी आ जाता है, कभी लिखा हुआ आ जाता है, कभी एनिमेशन टाइप का आ जाता है, उसी तरीके से आप इंगेजमेंट बढ़ा सकते हो। उससे क्या होता है, आपके मेंबर को ज्यादा देखता है। इंगेजमेंट बढ़ाना क्या होता है ये चीज समझिए, अगर आपका 10 मिनट का वीडियो है तो उस तरीके से वीडियो बनाइए आपकी हर मेंबर कम से कम 8-9 मिनट देखे, 10 मिनट का जरूर देखे, ज्यादा से ज्यादा मेंबर आपकी लॉन्ग वीडियो देखे, जिससे क्या होगा यूट्यूब को जाएगा सिग्नल भाई आप हमेशा अच्छा वीडियो बनाते हो, उससे इंप्रेशन डबल ट्रिपल भाई लाखों गुना ज्यादा भेज देता है। उस तरीके से आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और एक होता है इसमें ऑडियंस बिल्ड करना, आप जब इंगेजमेंट बढ़ाओगे तो आपके वीडियो पर ऑडियंस बिल्ड होगा ही, साथ में ये समझिए आपको लॉयल रहना होगा। बहुत सारे मेंबर को देखते हैं, 2 वीडियो नहीं चला टॉपिक चेंज, 5 वीडियो नहीं चला कुछ और वीडियो बनाने लगे। अगर इस तरीके से आप करते हैं आपकी यूट्यूब चैनल कभी भी ग्रोथ नहीं कर पाएगा, ये चीज हमेशा याद रखिएगा। और YouTube जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है वो होता है टाइम मांगता है, आपको पैसा रखना पड़ेगा और कंटिन्यू काम करना पड़ेगा, रेगुलर बनना होगा। बहुत सारे मेंबर यहाँ पे गलती करते हैं, रेगुलर नहीं बन पाते हैं। भाई अगर इस तरीके से करोगे ना आपकी चैनल ग्रो नहीं कर पाएगा। एक रेगुलर का मतलब क्या होता है ये चीज समझिए, कंटिन्यूसली अगर आप पर डे 1 वीडियो डाल रहे हैं तो 1 वीडियो जरूर डालिए, अगर आप सप्ताह में 2 ही वीडियो डाल रहे हैं, अगर 1 ही वीडियो डाल रहे हैं तो 1 ही वीडियो डालिए, अगर महीना में 1 ही वीडियो डालते हैं 1 ही डालिए। लेकिन अगर आपका स्टार्टिंग चैनल है तो कोशिश कीजिए पर डे ज्यादा से ज्यादा वीडियो डालने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर समझाते हैं, जैसे बड़ा यूट्यूबर अमित बडाना हो गया, ध्रुव राठी हो गया, ये सब महीना में 1 वीडियो लेके आते हैं। उससे क्या होता है वो सब क्वालिटी वीडियो बनाते हैं, एडुकेशन पे हो इंटरटेनमेंट के लिए हो, उस सब पॉसिबल नहीं है पर डे बनाने के लिए। लेकिन अगर आप टेक कैटेगरी के हो, एडुकेशन में हो, उस तरीके से हो तो आपको पर डे बनाना होगा। न्यूज के अगर बना रहे हो तो पर डे आपको 3-4 बनाना पड़ेगा, तो उस तरीके से आपको कंटिन्यूसली बनाना पड़ेगा और आपको रहना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं जो इस तरीके से नहीं करने के लिए तो आपकी चैनल ग्रो भी नहीं होगा, आपकी सब्सक्राइबर भी नहीं कोई करेगा, ये चीज हमेशा याद रखिए। और लास्ट में क्या होता है, अगर न्यू चैनल है, विगनर के लिए मैं बोल रहा हूँ, पुराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बिगनर में आपको हमेशा अपने वीडियो को चैनल को शेयर करना होगा आपके रिलेवेंट ऑडियंस के साथ। जैसे हम सिखाते हैं आप किस तरीके से ग्रो करते हैं, किस तरीके से व्यू लाते हैं, किस तरीके से आप चैनल पर फोकस करते हैं, तो उस तरीके के ऑडियंस अगर जहां पे भी हैं, फेसबुक ग्रुप पे हो, फेसबुक पेज पे हो, आपके ऑडियंस यूट्यूब पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, ट्विटर पे हो, कहीं पे भी मिल जाए, क्यूरेट पे हो, हर जगह से अपने वीडियो हो चैनल को शेयर करना है, जिससे मेंबर ज्यादा से ज्यादा आए, हमारा चैनल देखे, हमारा वीडियो देखे, क्योंकि हम ऑलरेडी अच्छा वीडियो बना चुके हैं तो सबके सब सब्सक्राइब करेंगे। इस तरीके से आसानी से हम 1000 सब्सक्राइबर कर सकते हैं। होप आप समझ गए होंगे, आपको कैसा लगा ये वीडियो ये कॉमेंट करके बताइए, और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।